सभी भैयाओं को प्रणाम। आज हम हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक का पाठ 17 राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो है इसका पहला पार्ट पूरा हो गया था, जिसमें कवि का जीवन परिचय एवं पाठ परिचय हो गया था। आज जो है हम इस कविता का अर्थ सहित वाचन करें। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्तियाँ हैं, यह भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? ठीक है, इस कविता का ये जो पहला अंश है इसमें इसके शब्दार्थ पर थोड़ा देख लीजिए। भयानक, भयानक का अर्थ होता है डरावना। ठीक है, इसके आगे विवरण, विवरण का अर्थ होता है स्पष्ट वर्णन करना। ठीक है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि राजेश जोशी जो हैं इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर, ठीक है, सुबह सवेरे घने कोहरे से ढकी हुई सड़क पर भीषण ठंड से जूझते हुए कहाँ जा रहे हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे मजदूरी करने अपने काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि यह जो है हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह कवि कहता है कि यह हमारे समय की सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को जो है खेलने कूदने की जगह काम करना पड़ रहा है। ठीक है, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक इसे विवरण की तरह लिखा जाना। सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को खेलने कूदने की जगह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी भयानक बात यह है कि समस्या को सामान्य वर्णन की तरह कहा जा रहा है। इसे वर्णन को कहते हुए किसी की संवेदनाएं इनके प्रति नहीं जगती और न किसी को क्रोध ही आता है। ठीक है, तो इस कारण इसका जो है वर्णन करना भी अत्यधिक भयानक है। इस बात को एक किसकी तरह लिखना चाहिए? प्रश्न की तरह, एक सवाल की तरह इस बात को लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अगला जो है कविता का दूसरा अंश आता है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदे, क्या दीमक ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें। ठीक है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। ठीक है, ये कविता का जो दूसरा अंश है इसमें एक बार जो है शब्दार्थ अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का अर्थ क्या होता है? आकाश। ठीक है, भूकंप, भूकंप का अर्थ होता है धरती का कांपना, भूचाल आना। ठीक है, ऐसे ही जो है भूकंप में डह गई है, डह गई है ना, डह जाना है नष्ट हो जाना, क्या मदरसों यानी पाठशालाओं, और यहां पर आया एकाएक, एकाएक यानी अचानक। ठीक है, तो कवि जो है यहाँ पर सुबह सुबह घने कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि व्यथित होकर पूछता है कि आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इन बच्चों के द्वारा खेली जाने वाली सारी गेंदे आकाश में गिर गई हैं अर्थात खो गई हैं? गेंदे न मिलने से ये काम पर जा रहे हैं? क्या इन्हें शिक्षा प्राप्त में सहायक जो इनकी पुस्तकें हैं वह नहीं मिल पा रही हैं? क्या उन सारी रंग बिरंगी किताबों को या पुस्तकों को दीमकों ने चट कर दिया है?
नष्ट कर दिया है। क्या इनके खिलौने में काम आने वाले सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जहाँ से उन्हें निकाल पाना संभव नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से जो है बच्चों का जो है कि ज्ञान आदान प्रदान करने के वाली जो उनकी सारी जो पाठशालाएं हैं, क्या वो पाठशालाओं की इमारतें किसी भूकंप में नष्ट हो गई हैं। इन बच्चों को खेलने के लिए मैदान, बाग, बगीचे और घरों के आंगन चाहिए, परंतु क्या सारे ही साधन अचानक नष्ट हो गए हैं? यदि ऐसा नहीं है तो फिर किस कारण से बच्चे काम पर जा रहे हैं? इन कारणों से इन्हें मजदूरी करने को विवश होना पड़ रहा है, ये अति चिंतनीय विषय है। ये जो है कवि के द्वारा इस प्रकार की चिंता व्यक्त की जा रही है। ऐसे ही अंतिम इस कविता का जो अंश है वह है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, इसे भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर जो है इस कविता के अंश में यदि शब्दार्थ की बात करें तो हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत। ठीक है, तो कवि इस कविता के अंश में जो है सोचता है कि यदि बच्चे सुबह सुबह मजदूरी करने जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि दुनिया में खिलौने, पुस्तकें, मनोरंजन के उपकरण, खेल के साधन, पाठशालाएं आदि सब नष्ट हो चुके हैं। बच्चों के मनोरंजन एवं उपयोग की चीज़ें नहीं रही तो फिर इस दुनिया में बचा क्या है? किनके लिए? इन बच्चों के लिए। यदि ऐसा हो जाता तो कितनी बड़ी भयानक बात हो जाती, परंतु सच तो यह है कि संसार में खेलने कूदने और मनोरंजन की सारी चीज़ें जो कि त्यों उपलब्ध हैं। ठीक है, फिर भी देश के बच्चे इनसे क्या हैं? वंचित हैं, क्योंकि संसार की हजारों सड़कों पर, अर्थात हम कहें तो हजारों सड़कों का तात्पर्य यहाँ पर जो है सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं रोजाना काम पर जाते हैं। अर्थात ये समस्या जो है केवल हमारे देश की ही नहीं अपितु सारे विश्व की समस्या है कि गरीब देशों की जो गरीब देश हैं वहाँ पर इस प्रकार का जो है आपको जो देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी काम पर जाते हैं। इस कारण बच्चों का सुखमय जो बचपन है वो छीन लिया गया है और रोजाना बच्चे काम पर जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से जो है ये कवि के माध्यम से जो है ये चिंता का विषय है। इस पाठ की इस प्रकार से तीन कविताएं जो हैं इस पाठ में दी गई हैं। कल जो है इनके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। धन्यवाद।